Hello everyone. Continuing with the topic of Boolean algebra, today we are going to see about more logic gates. Earlier we have seen AND, OR and NOT logic gate, but now we will see four different logic gates, which is NOR gate, NAND gate, XOR gate and XNOR gate. So let's start with the lecture and first we will see about the NOR gate. So NOR gate kya hota hai? NOR गेट को आप सिंपल ऐसे ले सकते हो, एक OR गेट के आगे अगर मैं NOT गेट को लगा देता हूँ तो वो मेरा NOR गेट बन जाएगा. द NOR गेट हैज़ टू और मोर इनपुट सिग्नल्स बट ओनली वन आउटपुट सिग्नल. और इसकी जो खासियत है, जो इसका मेन पॉइंट है, वो ये है, इफ़ ऑल द इनपुट आर लो, दैट इज़ लो, अगर सारे इनपुट आपके ज़ीरो हैं या फिर लो है, देन द आउटपुट सिग्नल इज़ वन. सो ये इम्पॉर्टेंट है NOR गेट में कि अगर सारे इनपुट ज़ीरो हैं तो ही आपका जो आउटपुट है वो हाई होगा या वन होगा. तो अब देखते हैं कि NOR गेट का सिंबल कैसे होता है और उसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है. सो NOR गेट का सिंबल आप सिंपल ऐसे देख सकते हो, पहले तो एक OR गेट अगर हम बनाते हैं तो ये एक OR गेट है. फॉर एग्ज़ाम्पल इनपुट है एक्स और वाई, और इसके अगर आउटपुट को मैं एक नॉट गेट से पास कर देता हूँ तो वो मेरा फाइनल आउटपुट आ जाएगा. तो ये हमारा नॉर गेट है जिसमें और गेट और उसके आगे एक नॉट गेट. अब इसका जो कंबाइंड सिंबल होता है नॉर गेट का, वो ऐसे करते हैं हम, अगर और गेट के आगे आप ये स्मॉल सर्कल बना देते हो then it represents a NOR gate. So now it becomes NOR. तो क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर OR है या NOR है, तो आपको ये देखना है कि OR gate के आगे अगर छोटा सा सर्कल है तो वो NOR gate बन जाएगा. क्लियर? तो देखो, अब ये जो आउटपुट आया है, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? OR gate की क्या इक्वेशन होती है आउटपुट की? x प्लस वाई, और यहाँ पे हमने इसको नॉट गेट से पास कर दिया. दैट मीन्स इन बोथ दिस केसेस एफ इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का बार. मतलब जो आउटपुट आया इस और गेट से एक्स प्लस वाई, उसको हमने इन्वर्ट कर दिया, तो वो हमारा आउटपुट मिलेगा नॉर गेट का. तो अब ट्रुथ टेबल देखते हैं इसकी. दो इनपुट हैं एक्स और वाई और एक आउटपुट है मेरे पास एफ. सो इनपुट क्या क्या हो सकते हैं? जीरो जीरो, जीरो वन, 10 एंड 11. अब यहाँ पे मैंने पहले लिख रखा है कि अगर सारे इनपुट ज़ीरो हैं तो ही आउटपुट आपका वन आएगा. बट अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, और गेट में इनपुट, अगर कोई भी इनपुट अगर वन है तो आउटपुट आपका वन होता है. इतना आपको पता है कि और गेट में अगर कोई भी एक इनपुट वन है तो आउटपुट वन होता है. तो लेट्स से हम एक और आउटपुट बना लेते हैं जिसको हम कह रहे हैं एफ डैश. सपोज ये एफ डैश हम यहाँ से लेकर आ रहे हैं जो एक्स और वाई का है, तो पहले उसको बना लेते हैं. तो देखो, एक्स और वाई का आउटपुट क्या आएगा? कोई भी अगर वन है तो आउटपुट वन, अदरवाइज ज़ीरो. सो इस केस में ज़ीरो, बाकी सब केसेस में वन, यही आएगा. अब हम क्या कर रहे हैं, इस आउटपुट को, इस एफ डैश को एक नॉट गेट से पास कर रहे हैं. दैट मीन्स सिंपली आपका इनवर्स हो जाएगा, तो जीरो की जगह वन, बाकी सब की जगह ज़ीरो. सो आप इस चीज़ को भूल जाओ, ये जो मैंने रेड पेन से लिखा है, और इनको ध्यान में रखो. तो आपको क्या दिख रहा है? देखो, जब दोनों ज़ीरो हैं या लो हैं तभी आउटपुट आपका वन है, अदरवाइज आउटपुट आपका ज़ीरो है. और यही आप ये जो नॉर गेट है इसकी डेफिनेशन कहती है. सो ये मैंने किस लिए बताया कि अगर आपको याद नहीं है कि एफ डैश, ये डायरेक्ट एफ क्या निकलेगा, तो पहले आप एफ डैश निकाल लो और उसका इन्वर्स कर दो. सो एफ डैश बेसिकली क्या है? इट इज़ एक्स और वाई, और एफ क्या है? एक्स और वाई का बार. सो दिस इज अबाउट द नॉर गेट. नाउ लेट्स सी अबाउट द नैंड गेट. जैसे नॉर गेट है, सिमिलरली अगर एंड गेट के आगे एक नॉट गेट को हम लगा देंगे देन इट बिकम्स अ नैंड गेट. सो इसमें भी दो या दो से ज़्यादा इनपुट सिग्नल हैं और एक ही आउटपुट सिग्नल है. अब इसका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इफ
all the input are high. If all the input are high, then the output produces zero. कि अगर सारे input वन है तो output आपका zero आएगा, otherwise हर case में output आपका वन आएगा. So this is the important point of NAND gate. अब देखते हैं कि NAND gate का circuit कैसे बनेगा. So देखो simple, पहले तो एक AND gate बनाते हैं हम. ये एक AND gate है और input हमने दिए हैं X और Y. अब एक AND gate को अगर मैं NOT gate से पास कर देता हूँ तो ये एक NAND gate बन जाता है. और AND gate का output क्या आता है? X dot Y. So output, final output क्या आएगा? X dot Y का bar. So that is clear. So इसको अब अगर हम NAND gate की form में दिखाना है, original circuit of और symbol of NAND gate. So simple, आपको क्या करना है? एक AND gate बनाना है और उसके आगे एक small circle. ये जो small circle है ये actually NOT को represent करता है, NOT gate को. So ये हो गया X Y. और अब ये है आपका NAND gate and output जो आएगा वो आएगा X dot Y bar. So, इस तरह से आप देख सकते हो NAND gate का सर्किट. अब इसकी ट्रुथ टेबल बिल्कुल सेम इसी फॉर्म में बनाते हैं. सो पहले एक बार बनाते हैं, एफ डैश भी बना लेते हैं. सो एफ डैश मैं इसको मान रहा हूँ, यहाँ पे एफ डैश लिख लेते हैं और एक फाइनल आउटपुट है एफ. सो नाउ लेट्स सी इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं. ज़ीरो 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 वन वन ज़ीरो वन वन. अब हमें ये पता है कि एंड गेट में आउटपुट कब वन होता है. एंड गेट में आउटपुट जब वन होता है जब दोनों इनपुट वन होते हैं, अदरवाइज आउटपुट ज़ीरो होता है. तो एफ डैश जो कि एंड है सिंपल एक्स और वाई का, उसमें आउटपुट वन कहाँ पे होगा? सिर्फ इस केस में, बाकी सब में आउटपुट ज़ीरो होगा. इतना क्लियर है सबको? सो व्हाट इज़ एफ डैश? एफ डैश इज़ एक्स एंड वाई. अब देखो क्या करना है, एफ डैश को हमने इन्वर्ट कर दिया, एक नॉट गेट से पास किया, तो इन सबको रिवर्स कर दो एफ में. सो वन 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 एंड ज़ीरो. और ये एफ क्या है? ये एफ है एक्स एंड वाई का बार. अब आप देखो इसमें जो मैंने यहाँ पे लिखी थी कि अगर सारे इनपुट हाई होंगे तो आउटपुट लो आएगा, वो आप यहाँ पे देख लो. अगर एक्स और वाई दोनों वन है तो आउटपुट ज़ीरो आ रहा है. सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ नैंड गेट. So these are the two gates, NOR gate and NAND gate. Now we will see XOR and XNOR gate. Now let's see about the XOR, और इसको हम exclusive OR gate भी बोलते हैं. XOR या exclusive OR gate में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा input signal और single output signal होता है. अब इसका main point क्या है और ये काफ़ी important होता है XOR gate. It produces output 1 only for those input combinations that have odd number of 1s or zeros. तो इसका मतलब देखो क्या है कि ये output कब produce करेगा 1? जब इसमें या तो odd number of 0 हो या odd number of 1 हो. इसका मतलब simple सा ये है कि अगर इसमें same input है, जैसे अगर 0 0 है या 1 1 है, तो उस case में output ज़ीरो आएगा. ठीक है. सो इसका सिंबल कैसे होता है XOR गेट का? XOR गेट को हम ऐसे बनाते हैं, सिंपल OR गेट और उससे पहले एक और ए कर्व. सो ये X और Y इनपुट हो गए और आउटपुट है F. और F को कैसे शो करते हैं XOR गेट के लिए? इस तरह से प्लस के ऊपर एक सर्कल. क्लियर? सो अगर दो इनपुट्स हैं एक्स वाई तो आउटपुट देखो क्या आएगा, 0 0 इनपुट हुआ, 0 1 1 0 1 1. और मैंने क्या कहा, जब ऑड नंबर ऑफ 1 या फिर 0 या फिर दोनों इनपुट सेम नहीं होने चाहिए. अगर सेम है जैसे 0 0 तो आउटपुट 0, 1 1 तो आउटपुट 0. इस केस में ऑड नंबर ऑफ 1 है या आप कह सकते हो डिफरेंट है इनपुट, सो 1. सिमिलरली ईयर 1. सो इस तरह से हम देखते हैं. तो XOR की जो समराइजेशन है, एडिशन, वो हम कैसे लगा सकते हैं?
जीरो एक्स और ज़ीरो इज ज़ीरो, ज़ीरो एक्स और वन इज़ वन, वन एक्स और ज़ीरो इज़ वन एंड वन एक्स और वन इज़ ज़ीरो. दिस इज नथिंग बट दिस इज द एक्स और एडिशन. तो ये एक्स और एडिशन है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आगे काफ़ी यूज़ होगा. सो दिस इज एक्स और गेट. नाउ लेट्स सी एक्स नॉर गेट. नाउ एक्स नॉर गेट क्या हुआ, इसको हम एक्सक्लूसिव नॉर गेट भी बोलते हैं. इट इज़ नथिंग बट इट इज़ एन एक्सॉर गेट फॉलोड बाय एन नॉट और इन्वर्टर गेट. कि एक्सॉर गेट के आगे एक आपने नॉट गेट अगर लगा दिया तो वो एक्स नॉर गेट बन जाएगा. सो बनाएंगे कैसे, सिंपल सा. दो इनपुट हैं एक्स और वाई. पहले तो आपको बनाना है एक्सॉर गेट. जैसे ये एक्सॉर गेट था तो एक्सॉर बनाया और उसके आगे स्मॉल सर्कल बना दोगे तो ये बन जाएगा एक्सनॉर गेट. इसका मतलब सिंपल है कि इसके आगे हमने एक नॉट गेट लगा दिया. सो दिस इज योर एक्सनॉर गेट. अब इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी ये है दैट इट प्रोड्यूसेस आउटपुट वन वेन इनपुट कॉम्बिनेशन हैज इवन नंबर ऑफ जीरोज और वन. अब इससे उल्टा आएगा, मतलब सेम अगर हैं दोनों तो आउटपुट वन आएगा, अदरवाइज आउटपुट जीरो आएगा. तो जैसे इसमें बनाते हैं, अगर हम जीरो 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 वन वन जीरो वन वन जीरो जीरो सेम एंड इवन नंबर ऑफ जीरो सो आउटपुट इज वन. ऑड नंबर है तो जीरो, ऑड नंबर तो जीरो, इवन है तो वन. आप इसको चाहे ऑड इवन के फॉर्मूले से देख सकते हो एक्स और एक्स नॉर को, या फिर अगर सेम इनपुट है तो आउटपुट जीरो है एक्स और में, जबकि अगर सेम इनपुट है तो आउटपुट वन है एक्स नॉर में. सो दीज आर द टू गेट्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस गेट्स. सो दीज आर ऑल अबाउट द लॉजिक गेट्स. वी हैव स्टडीड ऑल द लॉजिक गेट्स फ्रॉम एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड, नॉर, एक्सॉर एंड एक्सनॉर. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज design a circuit to realize the following boolean expression. So paper में ऐसे भी question आते हैं कि आपको एक boolean expression given है और इस boolean expression का आपको एक circuit diagram बनाना है with the help of various logic gates. तो देखो अब इसमें कैसे बनाओगे आप हर term को अलग लेके चलो शुरू में. जैसे पहली term क्या है, AB. और ए बी से मुझे पता लग रहा है दैट इट इज़ नथिंग बट इट इज़ ए एंड बी. ये है ए एंड बी. ऐसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे पता लग रहा है ये है ए एंड नॉट ऑफ सी, मतलब सी का इनवर्स है ना, तो नॉट ऑफ सी. ये क्या है, नॉट ऑफ बी एंड नॉट ऑफ ए एंड सी. बी का नॉट, ए का नॉट और सी, तीनों का एंड. और फाइनली जो तीनों के आउटपुट आएंगे, तीनों के जो आउटपुट आए, सपोज इसका आया एफ वन, इसका आया एफ टू और इसका आउटपुट आया एफ थ्री. सो जो फाइनल आउट आपका रिजल्ट आएगा, फाइनल आंसर आएगा, दैट विल बी एफ वन और एफ टू और एफ थ्री, क्योंकि प्लस है बीच में. ठीक है, सो इस तरह से हम पूरा ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. पहला देखते हैं ए एंड बी, सिंपल. सो आप इनपुट ले लो ए और बी. सो ए एंड बी मुझे बनाना है तो सिंपल एक एंड गेट बनाएंगे. तो यहाँ से मुझे मिल गया F1. मैं इसको ऐसे शो कर रहा हूँ, मुझे सिंपल रहेगा F1. आप इसको यहाँ पे ये भी लिख सकते हो ए बी. ठीक है, ये वाला हो गया हमारा. अब हमारे पास है A एंड नॉट C, मतलब C एक और इनपुट है. अब एंड गेट मुझे लगाना है बीच में, एंड गेट मैंने बना दिया.
एक इनपुट है ए, सो डायरेक्टली यहां से इनपुट ले सकते हैं हम, और एक इनपुट है सी का नॉट, मतलब सी का इन्वर्ट। दैट मीन्स इसके आगे अगर मैं एक नॉट गेट लगा देता हूं और इसको इनपुट दे देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, सी बार। सो अब यहां पे इनपुट एक जा रहा है ये ए और ये जा रहा है सी बार, तो मुझे अब यहां पे आउटपुट मिलता है जिसको मैं कह रहा हूं एफ टू, और ये कितना है ए सी बार। क्लियर है यहां तक? अब हम आते हैं यहां पे, यहां पे मुझे चाहिए बी बार, दैट मीन्स मैं इस वाले इनपुट को यूज कर सकता हूं, और इसके आगे एक नॉट गेट अगर मैं लगा देता हूं तो ये क्या बन जाएगा बी बार। उसके बाद मुझे चाहिए ए बार, दैट मीन्स मैं इस वाले इनपुट को यूज कर सकता हूं, इसके आगे एक नॉट गेट लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ए बार, और चाहिए सी। सी हम डायरेक्टली यहां से लेंगे क्योंकि नॉट नहीं लेना है, तो ये हो गया सी। अब इन तीनों को आपको भेजना है किसमें, एक एंड गेट में, क्योंकि एंड हो रहा है इन सब। एक एंड गेट में हमने भेजा और यहां से हमें आउटपुट मिला F3, जो किसके बराबर है B बार A बार C। अब हमें फाइनली क्या करना है, इन तीनों आउटपुट को क्या करना है, और करना है जैसे मैंने लिखा है यहाँ। सो इन तीनों आउटपुट को अब एक और गेट से आप भेज दो, सो आपको यहाँ पे फाइनल रिजल्ट मिलेगा F, और F किसके बराबर होगा, इसके बराबर। सो F विल बी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी बार प्लस बी बार ए बार सी। सो इस तरह से आप सर्किट्स को डिजाइन कर सकते हो अगर आपको कोई बूलियन एक्सप्रेशन गिवन है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉजिक गेट्स एंड हाउ टू डिजाइन अ सर्किट फ्रॉम अ बूलियन एक्सप्रेशन। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।